चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपकी जो समसामयिक घटना चक्र वार्षिकांक आई हुई है, दृष्टि ने निकाली है, और आप जानते हैं ये यूपीपीसीएस या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो या सिविल सर्विस हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है करंट की बुक से। ठीक है, वैसे तो आप देखिए कि जिस भी परीक्षा में करंट अफेयर्स पूछा जाता हो, उन सभी के लिए आपकी एक तरह से रामबाण है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स है, बहुत अच्छी लिखी जाती है। और वैसे आप यूपीपीसीएस में तो देखते हैं ना कि हर बच्चा यही बुक्स पढ़ने की मतलब एक तरह से चाहत भी रखता है, हर कोई यही पढ़ता है क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, तो इसमें हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा खत्म कर चुके हैं आपका, और उसके बाद विधिक परिदृश्य भी खत्म कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध देख चुके हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण की बात कर रहे थे, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण की हम लोग दो क्लासें ले चुके हैं, ये तीसरी क्लास है। ठीक है, और याद रखिए जितनी भी आपकी क्लासें आ रही हैं वो सभी आपकी समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डली हुई है। तो इसमें कोशिश रहती है कि एक एक घंटे के आसपास की क्लास रहे। ठीक है, और बाद में क्या करेंगे कि सभी क्लासों को जोड़कर एक पूरी क्लास बना देंगे। तो अभी आपकी छोटी छोटी क्लासें हैं, लास्ट में जैसे ही खत्म होगी ये पूरी बुक्स आपकी मर्ज कर देंगे सभी वीडियो को। ठीक है, तो इसमें याद रखिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? लास्ट क्लास में आपने देखा था बोगेन बिले की स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह हुआ है, और आगे हमें बढ़ना है और बात करनी है वैश्विक राजनीति, वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019। ये सूचकांक देखते हैं आप लोग एग्जामों में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके, अगर कुछ ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हर परीक्षा में तो आपके इसी से आते हैं। किससे? जो भी सूचकांक आते हैं, रिपोर्टें आती हैं इन्हीं से। वैश्विक राजनयिक सूचकांक विश्व के 61 देशों, इसमें आप देखेंगे G20, OECD, एशियाई देश क्षेत्र शामिल हैं, के दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों, स्थायी मिशनों तथा अन्य राजनयिक केंद्रों के बीच के केंद्रों के विश्व में फैले संजाल अध्ययन के आधार पर तैयार किया जाता है। याद रहे कि वैश्विक राजनयिक सूचकांक का प्रथम संस्करण मार्च 2016 में जारी किया गया था। कब? मार्च 2016 में पहला इसका संस्करण आया था। और इसमें अगर हम बात करें वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा 27 नवंबर 2019 को जारी किया गया है। तो यही पूछ लेगा आपसे कि वैश्विक राजनयिक सूचकांक कौन जारी करता है, तो यह है लोबी इंस्टीट्यूट। ठीक है, और यह रिपोर्ट इस सूचकांक का तीसरा संस्करण है। प्रथम आपने देखा है कि 16 मार्च 2016 में, और यह तीसरा है जिसमें लिथुआनिया को पहली बार शामिल इसमें किया गया है। चीन ने वैश्विक राजनयिक सूचकांक में अमेरिका को पछाड़ कर प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। यानी कि अब कही आप लोग की 2019 के सूचकांक में चीन पहले नंबर पर है। कौन? चीन पहले नंबर पर है, और चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सर्वाधिक राजनयिक केंद्रों की स्थापना की है। आज आप देख रहे हैं कि एक समय देखते थे कि अमेरिका इतना शक्तिशाली हुआ करता था, कहते थे कि अमेरिका को अगर छींक आ जाए तो पूरी दुनिया को सर्दी हो जाती थी, और आज देखिए आप लोग की कई संगठनों से अमेरिका निकल रहा है और उसकी जगह चीन अपना पैर वहां जमा रहा है। तो चीन शक्तिशाली देश हो रहा है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि GDP के मामले में कुछ सालों बाद आने वाले दिनों में चीन नंबर वन पर पहुंच जाएगा, अमेरिका को पीछे पछाड़ देगा। 2019 तक चीन के 276 कितने 276 दूतावास, वाणिज्य दूतावास, स्थायी मिशन और अन्य राजनयिक केंद्र विश्व में स्थापित किए गए हैं। ये अमेरिका से तीन अधिक हैं। कितने? अमेरिका से तीन अधिक हैं। इस सूचकांक में तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान क्रमशः फ्रांस, जापान और रूस का रहा है। दूसरे नंबर पर आपका अमेरिका है, पहले पर आपका चाइना, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर फ्रांस, चौथे पर जापान और रूस। अब बात आती है कि भारत किस नंबर पर है, तो भारत 12वें नंबर पर है। भारत 12वें नंबर पर है। बस 2019 तक विश्व के विभिन्न देशों में भारत के 123 दूतावास, उच्चायुक्त कितने 123 दूतावास, उच्चायुक्त तथा 54 वाणिज्य दूतावास स्थित हैं। वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 में G20 देशों में भारत की रैंकिंग 11वीं है और एशियाई देशों में तीसरी रैंक है। ठीक है, तो याद रखना, और समग्र रूप से बात करें तो 12वीं नंबर पर भारत। और इन्हीं आंकड़ों से आप लोग पता लगा सकते हैं, एक सच्चाई कड़वी सच्चाई आप क्लियर कर सकते हैं कि चीन से हम कई क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं। समझ रहे हैं आप लोग, ये हकीकत बन चुकी है। अब देखिए आप, वही है कि एक वो बड़ी अच्छी कहावत है रामायण में, मैंने सुनी
अभी लॉकडाउन के समय मैंने रामायण देखी और पढ़ी भी, तो उसमें आपने देखा होगा कुंभकर्ण तो रावण से कहता है कि आंख बंद करने से सूर्य का जो लोप नहीं हो जाता, सूर्य का अंधकार नहीं, मतलब सूर्य की रोशनी नहीं चली जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि सच्चाई से अगर आप हटते हैं, स्वीकारते नहीं, तो इससे इसका मतलब ये कभी नहीं है कि वो सच्चाई खत्म हो जाएगी, वो सच्चाई झूठ में बदल जाएगी। तो ये हकीकत है कि चाइना हमसे कई मामलों में आगे है, और इसका सबसे कारण एक बात बताऊं कि हमारे देश के नेता लूटने का काम किया है देशों को, हमारी जनता को, देश को, समझ रहे हैं आप लोग? और नहीं, हमारी जनता में कोई कमी नहीं, हमारे हमारे जवान देखिए आप लोग पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं, हमारे सैनिक मतलब आप सोचिए कि बराबर अपना काम निभा रहे हैं, अपना जो भी कर्तव्य है, लेकिन हमारे जो नेता है ये अपने कर्तव्य से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब सोचिए आप लोग भ्रष्टाचार के मामले में आपने सूचकांक देखा, हर सूचकांक तो देख लिया आप लोगों ने, आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि हमारे नेता किस लिए नेतागिरी करते हैं। मैं बताता हूं कि मैं मेरे साथ जितने भी लड़के पढ़ते थे लगभग, समझ रहे हैं आप लोग, 10th 12th तक जो भी रहे, आज वो पता है नेता बने बन चुके हैं, समझ रहे हैं? कौन से नेता, कोई महामंत्री, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, पता नहीं कौन कौन से मंत्री पद दे दिए गए हैं। अभी किसी दिन पहले कुछ किसी ने लिखा था, अपने ही फैमिली के मेंबर ने किसी ने, कि सर कोई महामंत्री है किसी पार्टी का, नाम लेना उचित नहीं समझता हूं तो रहने दीजिए। तो पता है वो कन्या पाठशाला के पास जाकर बच्चियों को परेशान करता है, और बने फिर रहे हैं नेता। एक नेता का क्या कर्तव्य होता है उसे आप लोग जानते हैं बाखूबी, लेकिन इनका अपने नेता अपने एक तरह से रोजगार नहीं है इनके पास, तो ये अपना काम चला रहे हैं उससे, लेकिन इनके अंदर नेता की एक भी क्वालिटी नहीं है। तो इसलिए जागरूक रहिए, थोड़ा अपने पढ़े लिखे रहिए। वैश्विक राजनीतिक सूचकांक 2019 में आपको मालूम होना चाहिए कि भारत 11वीं रैंक पर और एशियाई देशों में 3री रैंक पर। फिर आप देखेंगे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में 20 नवंबर 2019 को द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 जारी किया गया है। किसके द्वारा? द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 का मुख्य विषय है आतंकवाद के प्रभाव का मापन, आतंकवाद के प्रभाव का मापन। ठीक है, 2019 वर्ष 2019 की रिपोर्ट प्रति वर्ष जारी किए जाने वाले वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का 7वां संस्करण है। ये हर साल जारी की जाती है, और जो 2019 में आई हुई है ये कौन सा नंबर का है? 7वें नंबर का है। विस्तृत रिपोर्ट वर्ष 2000 विस्तृत रिपोर्ट वर्ष 1970 से 2018 के दौरान वैश्विक आतंकवाद के स्वरूप तथा उसकी कार्यपद्धति पर संक्षिप्त एवं सारगर्भित विकास डालती है। यह सूचकांक विश्व के 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है, जो विश्व की 99.7% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो याद रखना 163 देशों के करीब इसमें शामिल किया जाता है, ये भी पूछ लेता है कि इसमें कितने देशों ने भाग लिया था। ठीक है, 2018 में आतंकवादी घटनाओं के कारण 15,952 कितनी 15,952 मौतें हुई हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.2% है। वर्ष 2018 में आतंकवाद के कारण हुई संपूर्ण क्षति का पीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर मूल्य $33 बिलियन रहा है, जो 2017 की स्तर की तुलना में 38% की गिरावट प्रदर्शित करता है। आप समझते हैं कि पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर हम लोग जीडीपी के मामले में 3रे नंबर पर भारत, समझ गए? वर्तमान में ISIL को पीछे छोड़कर तालिबान विश्व का सर्वाधिक घातक आतंकवाद समूह बन गया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में 30 देशों का स्थान है, अफगानिस्तान पहले नंबर पर, इसका स्कोर क्या है? 9.603, इराक दूसरे, नाइजीरिया तीसरे, सीरिया चौथे, पाकिस्तान पांचवे, सोमालिया छठवे, भारत सातवें, यमन आठवें, फिलीपींस नौवें, कांगो लोकतंत्र गणराज्य 10वें। सबसे चिंताजनक बात यह है, क्योंकि भारत को देख रहे हैं आप लोग, 7वां स्थान रखा गया है, समझ रहे हैं? हम भी नहीं छूटे हुए हैं, 163 देशों की सूची में हमें 7वां स्थान मिल गया है। चलिए मान लीजिए हमें अच्छी चीजों में 7वां स्थान मिलता तो हम खुशी मनाते, लेकिन बुरी चीजों में भी हमें देख रहे हैं 7वां स्थान। अफगानिस्तान टॉप पर है, पाकिस्तान आपका पड़ोसी 5वें नंबर पर, ठीक है ना, याद रखिए। अफगानिस्तान इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा है,
याद रहे कि यह आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित राष्ट्र रहा है अफगानिस्तान। वर्ष 2003 के बाद से यह प्रथम अवसर रहा है जब इराक को आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 के अनुसार वर्ष 2002 से 2018 के मध्य दक्षिण एशिया आतंकवाद में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहा है हमारा एशिया, दक्षिण एशिया। भारत इस सूचकांक में सातवें स्थान पर रहा है। स्पष्ट है कि भारत आतंकवाद से प्रभावित शीर्ष 10 देशों में शामिल है, तो भारत के बारे में पूछा जा सकता है सातवें नंबर पर, जो कि अत्यंत गंभीर स्थिति को सूचित भी करता है। 2018 में आतंकवाद से होने वाली सर्वाधिक मौतों की दृष्टि से भारत विश्व में 9वें स्थान पर है। आप समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ 9वें स्थान पर है, हमारे यहाँ मौत हुई है, ठीक है। और वैसे आप देखेंगे 7वें नंबर पर है, ठीक है। और जबकि सऊदी में हुए आतंकी हमलों की दृष्टि से भारत विश्व में 3रे स्थान पर है, यानी कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ 3रे नंबर में हुए हैं। फिर बात करेंगे यूएई व्यक्तिकारी, माफ करिए, व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित। व्यतिकारी राज्य क्षेत्र से आशय ऐसे विदेशी राष्ट्र या राज्य क्षेत्र से है जिसके वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को भारत के किसी जिला न्यायालय में मात्र उक्त निर्णय की प्रमाणिकता प्रतिलिपि देकर कार्यान्वित करवाया जा सकता है। अर्थात भारत में उक्त वरिष्ठ विदेशी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय उसी प्रकार लागू किए जा सकेंगे जैसे कि भी संबंधित विदेश क्षेत्र या फिर देश में लागू किए जाते हैं। व्यतिकारी राज्य क्षेत्र का दर्जा भारतीय सिविल संहिता प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 44 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके दिया जाता है, ठीक है। भारत सरकार की विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी विशेष अधिसूचना के अनुसार यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को व्यतिकारी राज्य क्षेत्र या पारस्परिक राज्य क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में दी गई अधिसूचना के अनुसार यूएई के निम्नलिखित न्यायालय उस राज्य क्षेत्र के वरिष्ठ न्यायालय होंगे, फेडरल न्यायालय, फेडरल सुप्रीम कोर्ट, अबू धाबी अमारात, शारजहां अजरबैजान, अजमान, माफ करिए अजरबैजान नहीं, अजमान, उम एल कोएन, फुजेरा में फेडरल फर्स्ट और अपील न्यायालय। स्थानीय न्यायालय की बात करें तो अबू धाबी जुडिशियल डिपार्टमेंट, दुबई न्यायालय, रस अल खेमाए जुडिशियल डिपार्टमेंट, अबू धाबी ग्लोबल मार्केट न्यायालय, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर न्यायालय। यूएई के अतिरिक्त यूनाइटेड किंगडम, यूके, सिंगापुर, बांग्लादेश, मलेशिया, त्रिनिदाद, टोबेगो, न्यूजीलैंड, कुक द्वीप को शामिल करते हुए पश्चिमी समुआ, हांगकांग, पपुआ न्यू गिनी, फिजी और अदन को भारत सरकार द्वारा व्यतिकारी राज्य क्षेत्र पूर्व में घोषित किया जा चुका है। इससे पहले आपका इन देशों को भी व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। अभी आपका यूएई है। पर बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अंतरराष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु परिकल्पित एक उपकरण है। इस सूचकांक का उद्देश्य जलवायु संरक्षण पर महत्वाकांक्षी कार्रवाई करने में असफल देशों पर राजनीतिक एवं सामाजिक दबाव डालना है, साथ ही उन देशों को रेखांकित करना है जिन्होंने जलवायु संरक्षण पर सबसे अच्छा काम किया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। यह सूचकांक पहली बार 2005 में जारी किया गया था। तो आपसे पूछेगा कि कौन जारी करता है, तो ये सूचकांक आपका जारी करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। पहली बार कब जारी किया गया था, 2005 में। कब? 2005 में। याद रहे कि 10 दिसंबर 2019 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 मैड्रिड स्पेन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP25 के दौरान जारी किया गया था। तो आपसे पूछ ले कि अगर COP25 कहां हुआ था इस सम्मेलन, तो याद रखना आपको मैड्रिड स्पेन में, ठीक है, तभी ये रिपोर्ट जारी की गई थी। यह सूचकांक 4 श्रेणियों ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति के अंतर्गत 14 संकेतकों पर देश के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। उल्लेखनीय है कि COP25 के अध्यक्ष चिली की वो पहली बार जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शामिल किया गया। किसे? चिली को। कोई भी देश समग्र रूप से सभी सूचकांक श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर सका, इसलिए एक बार फिर समग्र रैंकिंग में पहले 3 स्थान रिक्त रहे यानी कि खाली रहे। वर्ष 2020 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में स्वीडन स्कोर ने 6 स्थान प्राप्त किया। एक बात आपको बताऊं,
कि आप कहेंगे कि पहला दूसरा तीसरा जारी क्यों नहीं किया गया है, कोई देश तो होगा जो अच्छी रैंकिंग किया होगा, उसे वो नंबर वन पर रहा होगा। एक बात आप लोग याद रखिए, मान लीजिए कि आप 100 बच्चे हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे कह दिया जाए कि जिसके 90 नंबर आएंगे उसे हम लोग टॉप 3 में रखेंगे या टॉप पर रखेंगे। आप समझिए किसी बच्चे के 90 नंबर नहीं आते तो वे 3 जो जगह होंगी टॉप की उन्हें खाली छोड़ दिया जाएगा एक तरह से, यही है, तो उतने नंबर नहीं ला पाए, लेकिन कोई तो सबसे टॉप पर रहा होगा तो वो अलग बात है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में स्वीडन स्कोर 30 स्थान पर रहा है, स्वीडन टॉप पर रहा है, लेकिन ये ना मत कहिए कि पहले नंबर पर रहा है, टॉप पर रहा है, सबसे अच्छी स्थिति। शीर्ष 3 स्थान रिक्त रखे जाने के कारण स्वीडन सूचकांक में चतुर्थ स्थान पर रहा है, लेकिन टॉप पर है, ऊपर है, ठीक है। इस सूचकांक में डेनमार्क को 5वां, समग्र रूप से द्वितीय, और मोरक्को को 6ठा, समग्र रूप से तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। अगर आप सोचिए कि कह दिया जाता है कि चलिए ऐसे ही मान लेंगे आप लोग कि पहला दूसरा तीसरा किस देश का रहा है, तो इस मामले में आप देखते हैं स्वीडन पहले नंबर पर, फिर आप देखते हैं डेनमार्क दूसरे नंबर पर और मोरक्को तीसरे नंबर पर होता, लेकिन आप समझ रहे हैं कि 3 जगह खाली छोड़ दी, इसलिए स्वीडन आपका चतुर्थ नंबर पर है, डेनमार्क आपका 5वें नंबर पर है, मोरक्को आपका 6वें स्थान पर है। इस सूचकांक के इस वर्ष के सूचकांक में G20 समूह के केवल 2 देश UK और भारत उच्च प्रदर्शन करने वाले देशों की सूची में शामिल है। आप भी जान रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जब से आए हुए हैं नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, समझ रहे हैं? तो इसलिए इस सूचकांक में पहली बार शामिल चिली 11वें स्थान पर और 11वां स्थान मिला है, उच्च प्रदर्शनकारी देशों की सूची में शामिल है। सूचकांक में अंतिम स्थान 61वां संयुक्त राज्य अमेरिका को प्राप्त हुआ है। आप समझ सकते हैं अमेरिका की स्थिति सबसे बुरी रही है। यह प्रथम अवसर है जब इस सूचकांक में सऊदी अरब रैंक 60 को अंतिम स्थान नहीं प्राप्त हुआ है। एक बात आपको बताऊं, आप सोचिए कि आप जितना आप सोचिए कि आपके देश में कहें कि एक कार्बन रिपोर्ट जारी होती हो, और आप सोचिए जो औद्योगिक क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे, सबसे ज्यादा औद्योगिक होता हो, वहां कार्बन उत्सर्जन स्वाभाविक सी बात है, कोयला जब सबसे ज्यादा उपयोग होगा तो वहां आराम से है कि कार्बन उत्पन्न होगा। तो यही है कि अमेरिका प्रगति मतलब विकसित देश है तो वहां काम हो रहे हैं अच्छे अच्छे तो इस तरह से ये अंतिम स्थान पर कि वो ध्यान नहीं देता इन बातों पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2000 की बात करें, 2020 की, तो इसमें स्वीडन को 14वां स्थान, डेनमार्क को 5वां, मोरक्को को 6वां, यूनाइटेड किंगडम को 7वां, लिथुआनिया को 8वां, भारत को 9वां, फिनलैंड को 10वां। तो भारत को याद रखिए 9वें नंबर पर है और 66.02 स्कोर है। एक बात आपको बताऊं, अगर आपके पेपर में आए कि आपसे पूछे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में सबसे टॉप पर कौन सा देश, पहले नंबर पर कौन सा देश रहा है, और आपसे स्वीडन दिया गया है, डेनमार्क दिया गया है, मोरक्को दिया गया है, यूनाइटेड किंगडम दिया गया है, समझ रहे हैं, या 3 देश दिए गए हैं और लास्ट में चौथा डी ऑप्शन है आपका कि इनमें से कोई नहीं, तो आप लगाएंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पहला स्थान किसी को नहीं मिला है। अगर आपको 4 देश दे दिए गए, मान लीजिए स्वीडन बोल दिया, डेनमार्क बी ऑप्शन, मोरक्को तीसरा यानी कि सी, यूनाइटेड किंगडम चौथा, इनमें से अगर पूछे आपसे कि कौन जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में पहले नंबर पर किसे रखा गया, तो आप बेझिझक स्वीडन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इन देशों में सबसे नंबर पर कौन है, स्वीडन, भारत आपका 9वें नंबर पर, और वैसे बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6वें नंबर पर भारत है, ठीक है। भारत में पहली बार जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में अपनी जगह बनाई है। 2020 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 9वां स्थान मिला है, स्कोर 66.02 प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में सूचकांक में भारत को 11वां स्थान प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, इक्वाडोर ओपेक से बाहर होने का निर्णय लिया है। जो इक्वाडोर देश है इसने ओपेक से, एक ओपेक संगठन है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का, इससे अलग होने का निर्णय लिया है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन अर्थात ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना सितंबर 1960 में 5 देशों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला के मध्य बगदाद, इराक में एक समझौते के हस्ताक्षर के द्वारा हुई थी। वर्तमान में ओपेक सदस्य देशों की कुल संख्या 14 है। आपको बताऊं कि मैंने इन सभी संगठनों को, आपका कोई भी संगठन नहीं छोड़ा है, तो आप लोग उन्हें जाकर देख लीजिए जब भी टाइम आपको मिले। तो यहाँ क्या बताएंगे कि ओपेक किससे संबंधित है, पेट्रोलियम निर्यातक देश है। दूसरा अगर पूछे कि कब इसकी स्थापना की गई, सितंबर 1960 में,
और इसके संस्थापक सदस्यों में कौन कौन शामिल था? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला। ठीक है, और अभी सदस्यों की बात पूछे वर्तमान में तो 14 सदस्य हैं। 1 अक्टूबर 2019 को इक्वाडोर ने तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 1 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ है। 1 जनवरी 2020 से इक्वाडोर सरकार के अनुसार देश में वित्तीय समस्याओं से निपटने के लिए ओपेक की सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया है। इक्वाडोर ओपेक में वर्ष 1973 में शामिल हुआ था। ये भी पूछ लेगा कि इक्वाडोर कब शामिल किया गया था, कब हुआ था, तो 1973 में। लेकिन स्वैच्छिक रूप से वर्ष 1992 में इस संगठन से बाहर हो गया था, और फिर उसके बाद 2007 में पुनः इस संगठन में पुनः सदस्य बना था। इक्वाडोर के बाहर होने के पश्चात 1 जनवरी 2020 से ओपेक के सदस्य देशों की संख्या 13 रह गई। यानी कि कहने का मतलब अगर आपसे अभी पूछे कब, अभी सितंबर में तो 13 है, ठीक है, सितंबर 2020 में। याद रहे कि 1 जनवरी 2019 को कतर ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी थी। आगे चलते हैं। भारतीय नन मरियम थ्रेसिया संत घोषित की गई है। कैथोलिक ईसाइयत में संत की उपाधि दिए जाने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित एवं समग्र समय साध है। यह प्रक्रिया 13वीं सदी में प्रारंभ हुई थी, जिससे तत्कालीन पोप ने आधिकारिक स्वरूप प्रदान किया था। इस प्रक्रिया में संतत्व घोषित करने के 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? प्रत्येक चरण में काफी लिखा पढ़ी, बहस और जांच होती है। इस प्रक्रिया को तीसरे और चौथे चरण के लिए कम से कम एक चमत्कार का उदाहरण आवश्यक होता है, जो कि उस संत द्वारा या उसकी समाधि पर की गई प्रार्थना द्वारा किसी असाध्य रोग के ठीक होने के रूप में होता है। तो आप समझिए, मतलब भगवान को ये लोग भी मानते हैं, एक तरह से भरोसा करते हैं चमत्कार पर, इस तरह की बातों पर। बिटिकन की एक समिति इस चमत्कार की जांच कर जब इसकी पुष्टि कर देती है, तो पॉप बिटिकन के समारोह में संतत्व की आधिकारिक घोषणा करती है। 13 अक्टूबर 2019 को रोमन कैथोलिक चर्च के पॉप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी सेंट पीटर्स स्क्वायर में आयोजित एक विशेष प्रार्थना सभा में भारतीय नन मरियम थ्रेसिया सहित 5 व्यक्तियों को संत घोषित किया है। तो भारतीय जो नन मरियम थ्रेसा है, इन्हें याद रखिए। मरियम थ्रेसा ने केरल के तिसूर मई 1914 में कॉन्गीगेशन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ द होली फैमिली की स्थापना की थी। तो ये भी पूछ लेगा आपसे, केरल के त्रिशूर में, ठीक है। मरियम थ्रेसा के साथ ही ब्रिटिश कार्डिनल जॉन हेनरी न्यूमैन, स्वेस लेहुमन और मार्गियोराइट बेज, ब्राजील की सिस्टर डोज लोप्स और इतालवी सिस्टर ग्यूसिपिना बेनिनी को भी संत की उपाधि प्रदान की गई। इन लोगों को भी शामिल किया गया। पढ़ लीजिए, बड़े नाम अजीब रहते हैं। इस समारोह में विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल भी भेजा गया था। याद रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर 2019 को अपनी मन की बात कार्यक्रम में सिस्टर मरियम थ्रेसा को पॉप द्वारा संत घोषित किए जाने का उल्लेख भी किया था। इनके संगठन को याद रखिए, इनके बारे में उल्लेखनीय है कि मरियम थ्रेसा सहित साइरो मालावार चर्च केरल के कुल 4 व्यक्तियों को अब तक संत घोषित किया जा चुका है। इस चर्च से संबंधित 3 अन्य व्यक्तियों की बात करें तो संत घोषित किए गए हैं सिस्टर अल्फोंसा, फादर कुरियाकोस चावारा और सिस्टर यूफेसिया। इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो टोटल अभी 4 है, ठीक है। अबू धाबी में विश्व का प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय खोला गया है। ये भी काफी चर्चा में रहा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। किसमें? अबू धाबी में। 5 साल पहले तक शायद बहुत से लोगों ने यूएई की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में कल्पना नहीं की होगी। इस सोच में बदलाव तब आया जब वर्ष 2017 में यूएई संयुक्त अरब अमीरात कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाने वाला विश्व का पहला देश। आप समझ रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया है। किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने। ये पहला देश है विश्व का इस तरह का काम करने वाला। यह देश अबू धाबी में विश्व के पहले स्नातक स्तर के एआई विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा करके इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। 16 अक्टूबर 2019 को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा विश्व के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता
विश्वविद्यालय का अबू धाबी में उद्घाटन किया गया। इस विश्वविद्यालय का नाम मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस नाम को याद रखिए। इस विश्वविद्यालय का नामकरण अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के नाम पर किया गया है। यह विश्व का प्रथम स्नातक स्तरीय अनुसंधान आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय, ठीक है, ये भी अभी चर्चा में था। हिंदी, हिंदी जो हमारी भाषा है सबसे ज्यादा हमारे देश में बोली जाती है, अबू धाबी की तीसरी न्यायिक भाषा बन चुकी है और कई एग्जामों में पूछा भी गया है अभी हाल में ही कि हिंदी किस देश की तीसरी न्यायिक भाषा बनी है, तो अबू धाबी की। 9 फरवरी 2019 को अबू धाबी न्यायिक विभाग में हिंदी को न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है। याद रहे कि अभी तक अबू धाबी की अदालतों में अरबी और अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था। संयुक्त अरब अमीरात में हिंदी भाषियों की बढ़ती जनसंख्या के कारण हिंदी को न्यायिक भाषा बनाने का निर्णय भी लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं मुंबई और हैदराबाद यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किए गए। खबर पुरानी है लेकिन क्या आप सभी जान रहे हैं कि 2020 में कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि आपने देखा है लॉकडाउन लगा रहा कोरोना हो के कारण। तो ये पुराने आंकड़े हैं, पिछले साल की जो बुक्स थी उसमें भी कवर किए हुए थे, तो इनसे क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। अब आपके पास टाइम नहीं है तो पुरानी बुक्स को आप लोग पढ़ लेना चाहिए था, पुरानी क्लास है आपकी जो है उन्हें देख लेना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं, टाइम नहीं है। तो समझ रहे, यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क का सृजन वर्ष 2004 में ऐसे शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरणीय स्तर पर सतत विकास के एक रणनीतिक घटक के रूप में रचनात्मकता को मान्यता प्रदान की है। तो इन दोनों को याद रखिए, मुंबई, हैदराबाद। इस नेटवर्क में शामिल शहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रूप से सहयोग करने तथा तो स्थानीय स्तर पर अपनी विकासात्मक योजनाओं के केंद्र में रचनात्मकता एवं सांस्कृतिक उद्योगों को ध्यान देने की साझा उद्देश्य से मिलकर कार्य करते हैं। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में नेटवर्क में जिन 7 रचनात्मक क्षेत्रों को आच्छादित किया गया है वे शिल्प, लोक कलाएं, मीडिया आर्ट, फिल्म डिजाइन, पाक कला, साहित्य और संगीत। ठीक है, याद रहे कि 31 अक्टूबर 2019 को यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले ने 66 नए शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों का दर्जा दिया है और इस प्रकार अब यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल शहरों की कुल संख्या बढ़कर 246 पहुंच गई है। ये बदलते रहते हैं तो करंट से इसके लिए जुड़े रहिए। जिन 66 शहरों को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया उनमें आपने देखा है कि भारत के 2 शहर मुंबई और हैदराबाद को भी शामिल किया गया। मुंबई को फिल्म क्षेत्र में जबकि हैदराबाद को पाक कला क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया। तो ये भी पूछ लेगा कि मुंबई को किस क्षेत्र में, तो फिल्म क्षेत्र में, हैदराबाद को पाक कला क्षेत्र में। याद रहे आप लोगों को, इससे पूर्व 2015 में आपने देखा होगा जयपुर को शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में और बनारसी यानी कि बनारस को संगीत के क्षेत्र में, और 2017 में आपने देखा होगा चेन्नई संगीत के क्षेत्र को में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किए गए थे। तो इससे पहले आप जयपुर भी हो चुका है लोक कला, शिल्प एवं लोक कला श्रेणी की क्षेत्र में, बनारसी संगीत के क्षेत्र में और चेन्नई संगीत के क्षेत्र में। याद रहे कि 31 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विषय शहद शहर दिवस के रूप में घोषित भी किया है 31 अक्टूबर। ठीक है, अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, रूस द्वारा अनुसमर्थन। 2015 का पेरिस समझौता आप सभी को मालूम होगा, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए UNFCCC के पक्षकारों द्वारा हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम कर ग्लोबल वार्मिंग से निपटने हेतु किया गया एक समझौता है। इस समझौते के तहत 21वीं शताब्दी के औसत तापमान में पूर्व औद्योगिक युग के दौरान के औसत तापमान के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि नहीं होने दी जाएगी। देशों का यह प्रयास होगा कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री के स्तर तक रखा जाए और साथ ही इसमें विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु $100 बिलियन प्रतिवर्ष देने और भविष्य में इसे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दिखाने की बात भी कही गई है। यह समझौता 4 नवंबर 2016 से लागू हुआ। तो आपसे कई बार पूछ लेता है कि पेरिस समझौता किससे संबंधित है, तो ये जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने से संबंधित। ठीक है, इसमें कितना लक्ष्य रखा गया है, 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि नहीं होने का लक्ष्य रखा गया है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। और जो विकसित देश हैं ये विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन की कमी के लिए $100 बिलियन देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि विकसित देश अपनी मतलब तरक्की कर चुके हैं
अब उन्हें पैसा देना चाहिए विकासशील देशों को, अल्पविकसित देशों को, वो भी कर सके। यह समझौता कब लागू होगा? 4 नवंबर 2016 को, 4 नवंबर 2016 को। 7 अक्टूबर 2019 को रूस ने पेरिस समझौता का अनुसमर्थन कर दिया है। इसके साथ ही रूस पेरिस समझौता में औपचारिक रूप से शामिल हो गए हैं। याद रहे कि रूस ने इस समझौते पर अप्रैल 2016 में ही हस्ताक्षर किया था, किंतु अपने राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर इसे लागू करने में उस समय असमर्थ था। पेरिस समझौते को समर्थित करने के पश्चात रूस पेरिस समझौते के प्रावधानों का अनुपालन करेगा। हालांकि यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत एक गैर एनेक्स सेकंड देश के रूप में रूस विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई को संचालित करने के लिए वित्तीय संसाधनों का उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं होगा। और 4 नवंबर 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते से बाहर होने की अपने निर्णय से अवगत कराने हेतु संयुक्त राष्ट्र यूएन को औपचारिक अधिसूचना प्रेरित कर दी है। तो अब देखिए, अमेरिका इससे निकलना चाह रहा है, ऐसे थोड़ी चलेगा। आप समझिए, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है जलवायु को, वही निकलने की बात की जा रहा है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के संगठनों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि इनका मतलब क्या रह गया है। जब इस प्रकार पेरिस समझौते के अनुच्छेद 28(1) और (2) के तहत अमेरिका 4 नवंबर 2020 को इस समझौते से बाहर हो जाएगा। फरवरी 2020 में किर्गिस्तान लेबनान के पेरिस समझौते का अनुसमर्थन करने के पश्चात इसके पक्षकार देशों की संख्या बढ़कर 189 तक पहुंच गई है। आगे बात करते हैं ब्राजील में भारतीयों को वीजा मुक्त प्रवेश। अप्रैल 2019 में ब्राजील की सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पर्यटन, व्यापार और कला या फिर खेल गतिविधियों में भाग लेने के उद्देश्य से यात्रा करने वाले अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के वैध पासपोर्ट धारी यात्रियों को ब्राजील में वीजा मुक्त प्रवेश दिया जाएगा। ब्राजील सरकार का यह निर्णय 17 जून 2019 से प्रभावी हुआ था। और याद रहे कि देशों के नागरिक, उपयुक्त देशों के नागरिक 90 दिनों की अवधि तक बिना वीजा के ब्राजील में निवास कर सकते हैं। इस अवधि को एक बार 90 दिनों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। ब्राजील सरकार के इस निर्णय का प्रभाव यह हुआ कि उपयुक्त 4 देशों से ब्राजील आने वाले पर्यटकों की संख्या में 25% की वृद्धि भी दर्ज की गई, पर्यटन को बढ़ावा मिला है। 24 अक्टूबर 2019 को ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने अपनी चीन यात्रा के दौरान पर्यटन और व्यवसायिक उद्देश्यों से ब्राजील की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों हेतु वीजा प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त करने की अपनी योजना की घोषणा भी की। ब्राजील ने भारत के साथ चीन के नागरिकों को भी यह सुविधा प्रदान करने का निर्णय भी लिया है। 2019 में के प्रारंभ में सत्ता में आए बोल्सोनारो ने अपनी तरह की प्रथम पहल के तहत विकसित देशों के पश्चात इन दो विकासशील देशों को भी यह छूट प्रदान की है, करने की अपनी मंशा जाहिर की है। याद रहे कि वर्तमान में भारतीय पासपोर्ट धारकों को ब्राजील की यात्रा करने हेतु एक वैध वीजा की आवश्यकता होती है, जबकि भारत के सरकारी एवं राजनयिक पासपोर्ट धारक बिना वीजा प्राप्त 90 दिन तक अवधि के लिए ब्राजील यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। और भारत सरकार द्वारा मित्र देशों जैसे ब्राजील के नागरिकों को ई वीजा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। याद रखिए, आप लोग जानते हैं कि ब्राजील के जो ए बोल्सोनारो सत्ता में आए हुए हैं, इन्होंने अभी आपके देश की हमारे 26 जनवरी 2020 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसमें सम्मिलित भी हुए थे, ठीक है। ब्राजील के राष्ट्रपति ई वीजा निम्न 5 उपश्रेणियों में उपलब्ध है, ई पर्यटक यानी कि ई टूरिस्ट, ई व्यवसायिक, ई चिकित्सा, ई चिकित्सीय परिचारक, ई कॉन्फ्रेंसिंग वीजा। याद रहे कि भूटान, फिजी, मॉरिशस, सेनेगल, सर्बिया आदि देशों ने भारतीय पर्यटकों को वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा भी प्रदान की है, ठीक है। अब आपने एक समझौता सुना हुआ, करतारपुर कॉरिडोर समझौता, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछने की संभावना है। 26 नवंबर 2018 को राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डेरा बाबा नानक करतार साहिब कॉरिडोर का शिलान्यास मान गांव जिला गुरुदासपुर पंजाब में किया था। करतारपुर कॉरिडोर भारत के पंजाब प्रांत की गुरुदासपुर में स्थित डेरा बाबा नामक से शुरू होकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जिला नरोवाल में स्थित करतारपुर को जोड़ेगा। तो आपके जो गुरुदासपुर है पंजाब में, इसे आपका पाकिस्तान की जो नरोवल स्थित करतारपुर है उसे जोड़ेगा, ठीक। पाकिस्तान के क्षेत्र में निर्मित होने वाले कॉरिडोर का शिलान्यास प्रधानमंत्री इमरान खान ने 28 नवंबर 2018 को किया था। उल्लेखनीय है कि इस कॉरिडोर के माध्यम से भारत के सिख तीर्थ यात्री पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित गुरुद्वारा
दरबार साहिब करतारपुर की यात्रा बिना वीजा के कर सकेंगे। याद रही कि करतारपुर में गुरु नानक देव जी ने अपनी जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे और 1539 में वहीं शरीर त्याग दिया था। और आप जानते हैं सिखों के लिए कितने मतलब जरूरी हैं गुरु नानक साहब, इसके आप लोग बेहतर जानते हैं। दूसरी तरफ डेरा बाबा नानक में गुरु नानक जी ने लंबे समय तक वास किया था। याद रहे कि 2019 में गुरु नानक देव जी की जन्म की 550वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। एक बात आपको बताऊं, देखिए 2020 में कुछ खास घटनाएं नहीं हुई, इसलिए पुराना करंट अफेयर्स पूछने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर के बेहतर संचालन के लिए 24 अक्टूबर 2019 को भारत एवं पाकिस्तान के मध्य समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। कॉरिडोर के संचालन की विधियों पर 0 पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय सीमा डेरा बाबा नामक में दोनों देशों के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इस समझौते के तहत करतारपुर साहिब कॉरिडोर के संचालन के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है, जो इस प्रकार है, सभी धर्मों के भारतीय तीर्थ यात्री और भारतीय मूल के व्यक्ति इस कॉरिडोर का उपयोग कर सकते हैं। यह यात्रा वीजा मुक्त होगी, लेकिन तीर्थ यात्रियों को एक वैध पासपोर्ट साथ ले जाना होगा। इस यात्रा हेतु भारतीय मूल के व्यक्तियों को अपने देश के पासपोर्ट के साथ OCI समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता कार्ड ले जाने की आवश्यकता होगी। गलियारा सुबह से शाम तक खुलेगा। सुबह यात्रा करने वाले तीर्थयात्री को उसी दिन लौटना होगा। तीर्थयात्रियों के पास अकेले या फिर समूह में जाने व पैदल यात्रा करने का भी विकल्प होगा। कुछ विशेष अधिसूचित दिनों को छोड़कर गलियारा वर्ष भर चालू रहेगा। विशेष दिनों की जानकारी पूर्व में ही दी जाएगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि आज सूचना दी जाए और आप लोग यात्रा पर निकल जाए, पहले से ही सूचित कर दिया जाएगा। भारत यात्रा की तिथि से 10 दिन पहले तीर्थयात्रियों की सूची पाकिस्तान को भेजेगा। यात्रा की तिथि से 4 दिन पूर्व तीर्थयात्रियों की पुष्टिकरण भेजा जाएगा। पाकिस्तान पक्ष ने भारत को लंगर और प्रसाद के वितरण के लिए पर्याप्त प्रावधान करने का आश्वासन भी दिया है। देखिए क्या है कि हमें हमारे पड़ोसी, देखिए आप लोगों ने अटल बिहारी का वक्तव्य सुना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने आपने देखा है कि उन्होंने कहा था कि देशों को मतलब हम सोचे अपने पड़ोसियों को कभी नहीं बदल सकते हैं। मान लीजिए आपके घर के बगल में कोई पड़ोसी रह रहे हैं, तो उन्हें आप बदल नहीं सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं आप लोग, तो आपके पास विकल्प यही रहता है कि अपने पड़ोसियों से अच्छे व्यवहार रखिए। तो हमें पाकिस्तान से आज नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद समझौता और बातचीत तो करना होगा, समझ रहे हैं? तो पाकिस्तान द्वारा यात्रा के लिए प्रति यात्री $20 की दर से सेवा शुल्क लिया जाएगा। हालांकि भारत द्वारा इस शुल्क का विरोध किया गया है। 9 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेरा बाबा नानक गुरदासपुर पंजाब में करतारपुर कॉरिडोर के एक एक चेक पोस्ट का उद्घाटन किया और तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना भी किया। एकीकृत चेक पोस्ट भारतीय तीर्थयात्रियों के पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की यात्रा को सुगम बनाएगा। और गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के बारे में अगर हम बात करें, तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में सेंटर फोर इंटरफेथ स्टडीज स्थापित किया जाएगा। बर्मिंगम विश्वविद्यालय यूके के अतिरिक्त कनाडा के एक विश्वविद्यालय में भी गुरु नानक देव जी की पीठ स्थापित की जाएगी। 28 अक्टूबर 2019 को एयर इंडिया में 550वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान की पूंछ पर एक ओंकार को चित्रित किया गया। पाकिस्तान सरकार ने गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया है। क्या है? एक स्मारक सिक्का भी जारी किया है।